गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। सो 9th क्लास, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू ट्रायंगल एंड वी हैव कंफर्मड अबाउट ऑल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, सो वी कंटिन्यू इंटरनेट एक्सरसाइज 7.1 एंड देन वी कैन सॉल्व इट। व्हाट इज द 7.1? दिस क्राइटेरिया इज एंगल सॉल्व एंगल कॉन्ग्रेंसी। कुछ जैसे साइड एंगल साइड का प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आने के चांस है। हम सीधे एंगल से एंगल के प्रूवमेंट पे बात करते हैं और इसको सुन लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, आपसे कह रहा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ two angles and included side of one triangle included sides included side of other triangle। समझ टू ट्राइंगल्स है, सबसे पहले आप नोटिस करें केवल क्या है, कह रहा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब ये आपसे कह रहा है कि दो एंगल्स टू एंगल्स हैं जिनके टू एंगल्स इक्वल है और उन दोनों एंगल की जो इंक्लूडेड साइड्स है वो, तो हमें प्रूफ करना है दोनों ट्राइंगल को उल्टा। तो समझना जरा गिवन क्या है, सपोज कीजिए एक ट्राइंगल आपके पास है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल क्या है पीक्यूआर, तो आपके पास गिवन है एंगल बी इक्वल टू क्या है क्यूआर, सी इक्वल टू आर है इक्वल टू बीसी इक्वल टू क्या है। टू प्रूफ बेटा, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंट है, यानी कि सुपरपोज कर रहे हैं एक दूसरे को क्या है सुपरपोज। अब देखिए इसमें कैसे सप्लाई होंगे, सबसे पहले केसेस भाई कोई भी साइड या तो उसकी इक्वल हो सकती है या बेटा उसके ग्रेटर हो सकती है या उससे लेस हो सकती है। तीन ही कंडीशन बनेंगे, कोई भी साइड है तो ग्रेटर होगी या लेस होगी या इक्वल होगी। तो इसमें मूवमेंट में हम तीनों केस से डिफाइन करते हैं। पहले लिया केस ऑफ इफ ए बी इक्वल टू क्या होता, ए बी इक्वल टू क्या होता, अगर AB और PQ दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, तो आप मान लो दोनों इक्वल है तो समझ जाओ ABC ये क्या बना है। अब AB इक्वल टू PQ हो गया, BC और PQ क्या बना है और B इक्वल टू PQ क्या बना है। अब
एंगल से पहले क्राइटेरिया कौन से सीख चुके हैं? आप सीख चुके हैं बेटा कि अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब हम एंगल सेट एंगल से कॉन्ग्रेट प्रूव कर सकते हैं। पहली चीज ये हमने दोनों ट्राइंगल लिए पैरेलल इन ट्राइंगल एबीसी और दूसरा क्या लिए, तो पहली चीज क्या है एबी इक्वल टू क्या है पी क्यू डी, कहां से ये बेटा अपन ने क्या किया है एज्यूम किया है दैट इज अ एज्यूम। फिर एंगल बी इक्वल टू क्यू ये कहां से बिकॉज इट इज गिवन, एंगल सी इक्वल टू एंगल ऑफ और इसके बाद में बी सी इक्वल टू के बाद ये भी कहां से होता है ये क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट क्या हो गया बेटा पी के बाद कौन से पॉइंट साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड एंगल साइड फर्स्ट क्राइटेरिया थी वो तो ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट के लिए सेटिस्फाई है। अब अगर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया सेटिस्फाई है एंगल साइड होगी या नहीं होगी उस पर चर्चा करें, तो केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हुई किस पे बात करें बेटा केस सेकंड का मतलब क्या हुआ ए बी ग्रेटर देन क्या है मतलब पी, भाई हमने तीन ही केस बताए कोई भी साइड किसी अनदर साइड की या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी या लेस होगी, तो अगर ए बी बेटा पी क्यू से ग्रेटर है तो एक छोटे से हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, हमें छोटे से बेटा कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। जरूरत क्या है समझना जरा, मतलब PQ और QD दोनों क्या होंगे तो पहली चीज समझो ए बी ग्रेटर देन क्या है, तो एक हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, क्या कंस्ट्रक्शन कर दिया बेटा राइट क्या कंस्ट्रक्ट टेन भाई ग्रेटर है टेन ए पॉइंट बी या टेन ए पॉइंट बी ऑन ए वेयर बी बी इक्वल टू क्या होगा a point b or a point b on a where d equal to क्या होता है pq। अब इसके प्रूफिंग पे हम बात कर लेते हैं, तो पहले दो ट्राइंगल लिए कौन सा लिया, पहला ट्राइंगल लिया हमने dbc और दूसरा कौन सा लिया pq। अब देखो सब्जेक्ट हमारे पास db equal to क्या है PQ, ये कहां से वही चीज का हमने एज्यूम की, दूसरा एंगल P इक्वल टू Q ये कहां से दिया हमने ये है, तीसरा BC इक्वल टू क्या है उनका QR ये भी कहां से वेक्टर बहुत डिफरेंस है, तो इसका मतलब BBC कॉन्ग्रेंट टू क्या हो गया PQ, अगर इनका कॉन्ग्रेंट है तो इससे कॉन्ग्रेट हो गया साइड एंगल साइड्स, तो उनके करस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होंगे यानी कि एंगल BCD इक्वल टू क्या हो गया एंगल PD, इक्वेशन नंबर क्या देते हैं फर्स्ट, बट हमारे पास गिवन क्या है एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये बेटा कहां से गिवन है ये कहां से है इस, अब एक चीज समझे कि क्या ये एंगल इसके इक्वल है जबकि ये टोटल एंगल इसके इक्वल है, मतलब क्या हुआ D और A दोनों एक ही पॉइंट पे लाइज होंगे यानी कि एक ही पॉइंट पे लाइज होने का मतलब कॉन्ग्रेंट होंगे, इधर देखिए बेटा इसका मतलब क्या हुआ